नमस्कार, मैं हूं एसएस पांडे। सबक्रियर में आप सभी का स्वागत है। आइए ले चलते हैं आपको समाचार की ओर। जहां तक सवाल है सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने संज्ञान लिया था कि वे एससी जो एक्ट है इसके अंदर एफआईआर करने से पहले उसकी जांच की जाए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी इसका विरोध किया, हम लोगों ने विरोध किया और इसका फिर से पुनः प्रधानमंत्री जी ने प्रयास किया और इसको माना कि एससी एसटी के जो केस रजिस्टर्ड होते हैं इसमें कहीं ना कहीं गरीब की अनदेखी होती है। जो एससी समाज से आते हैं उन लोगों की कहीं ना कहीं अनदेखी होती है। उस बात को ध्यान में रख के पहले ही इस पे संज्ञान लिया गया, स्टैंड लिया गया, उसको प्रधानमंत्री जी ने भी माना और पिछले सेशन में ही उसको पुनः लागू कर दिया था। इस पे अब लोग राजनीति कर रहे हैं तरह तरह से। कोई कह रहा है स्वर्णों का अनदेखी हुई, कोई कह रहा है कुछ, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। वो एससी एसटी आयोग में थोड़ा सा बदलाव था जिसको रोक दिया गया। तो ये सवर्ण जो आज खड़े हो रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, आपके विचार से क्या ये ठीक है? नहीं, ये गलत है। विरोध निराधार है, उन्हें विरोध करना ही नहीं चाहिए। उनसे जुड़ा कोई मसला ही नहीं है। एससी एसटीओ से जुड़ा मसला था, उन्होंने अपनी बात को रखा, उसको माना गया। इसमें स्वर्णों का तो कहीं अनदेखी या कुछ बनना बिगड़ने वाली कोई बात ही नहीं है। तो इसमें स्वर्णों का कोई नुकसान नहीं है, इसके अंदर एससी एसटी का थोड़ा सा अपमान था उसको पूरा।